आरपीएससी एसीएफ एफआरओ का रिजल्ट आउट हो चुका है, जो एग्ज़ाम 2018 की वैकेंसी का 18 फरवरी 2021 से 26 फरवरी के बीच में हुआ था, तो उनकी कंप्लीट रोल नंबर की लिस्ट आउट कर दी है। फॉर इंटरव्यू के लिए प्रोविजनल लिस्ट आउट की है, तो आप अपना रोल नंबर चेक करना, कंट्रोल एफ दबा के सर्च में अपना रोल नंबर डाल देना, आपको इजीली मिल जाएगा, तो आपका डेफिनेटली उसमें नाम है नेक्स्ट राउंड के लिए, अदरवाइज नहीं है। और जिनका नेम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ में बताना कि आपने किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा था, ताकि हमें ये पता लग सके कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। मोस्ट प्रॉबेबली इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। इसमें जो कट ऑफ गई है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सेम कट ऑफ है एज इट इज़, चाहे वो जनरल मेल में हो, फीमेल में हो, विडो में हो। बाकी जो है एससी एसटी और एमबीसी और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन हुआ है उनकी अलग कट ऑफ है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है और ये तभी हो सकता है जब नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो एक बार जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका जो है नाम है, और नाम है तो किस सब्जेक्ट के साथ है। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोस्ट जितनी भी हैं उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, बाकी तो सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर पता लगे कि एटलीस्ट इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ताकि जो है बाकी और एग्ज़ाम के लिए आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़े, तो वो कर सको आप। इजी सब्जेक्ट लेने हो तो इजी सब्जेक्ट ले पाओ। ओके, थैंक यू जी।